कहानी एक शायर गुजरा है, वह एमरल्ड कैस के बारे में लिखता है कि उसके गांव का मोची लैला को देखने चला गया और मजनू को मुड़ के कहने लगा कि वो तो काली भी है, वो मोटी भी है, वो बदनुमा भी है, तू किससे इश्क कर बैठा है। तो जनाब उसके गांव के शायर ने कहा कि लैला का कसूर नहीं, तेरी आंख का कसूर है, ये तो मजनू से पूछ, जहरा का मकाम तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो, जहरा मकाम मकाम तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, ये तो मजनू से पूछ, जहरा का मकाम तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो, ये तो मजनू से पूछ, जहरा का मकाम तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो। क्या ये बीबी फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी नहीं है? कहाँ गए पीरो मौलवी, क्यों चुप हैं आप? मौसूफ किसको किससे तशबीह दे रहे हैं? ये सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान कर रहे हैं या उनकी तौहीन कर रहे हैं? मौसूफ कयास माल फारिक कर रहे हैं? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मजनू और सैयदा जहरा रज़ी अल्लाह अन्हा को लैला से तशबीह दे रहे हैं? माज़ अल्लाह, सारी दुनिया जानती है कि मजनू लैला का आशिक था और लैला उसकी माशूक थी। किस मुंह से खुद को आलिम और आल रसूल का मुहिब कहते हैं ये लोग। अब देखते हैं कितनी एफआईआर दर्ज होती हैं और कितने पीर मौलवी हुब अहले बैत में गुस्ताखी और कुफर के फतवे देते हैं। मौसूफ को चाहिए इस बात से रुजू करें और ऐलानिया तौबा करें। सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह।